इन्वेस्टर समिट, सीएम विदेश जाएंगे तो क्या निवेश लेकर आएंगे? उत्तराखंड में धामी सरकार आने वाले दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है। तैयारी पूरी है, सरकार के नुमाइंदे, खुद मुख्यमंत्री इसको लेकर कमर कस चुके हैं। दावा यह कि 2.5 लाख करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारा जाएगा। अब इसी लक्ष्य को पाने के लिए धामी सरकार अब धरातल पर काम करने का जिक्र कर रही है और खुद प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी देश और विदेश के निवेशकों को रिझाने में जुट गए हैं। मगर सियासत सवाल पूछ रही है, विपक्ष का निशाना सीधा धामी सरकार पर है। सवाल यह कि इन्वेस्टर समिट से क्या पहाड़ चमकेगा, कंपनियां आएंगी या सिर्फ करार होंगे? धामी पहुंचे तो जोरदार स्वागत हुआ। 2018 इन्वेस्टर समिट के बहाने विपक्ष अब सियासी निशाने भी साध रहा है। सीएम से पूछ रहा है कि विदेश दौरे से क्या निवेश आ जाएगा। आज इसी पर करेंगे चर्चा, हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड की धरती पर विदेशी निवेश उतारने के लिए जहां एक तरफ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने ब्रिटेन की उड़ान भरी तो दूसरी तरफ सियासत हिलोरे मारने लगी। 3 दिन के लंदन के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री तमाम क्षेत्रों के निवेशकों से मुलाकात करेंगे, संभावनाएं तलाशेंगे, मगर दूसरी तरफ विपक्ष उनके विदेशी दौरे पर सियासी दंगल छेड़ चुका है। जहां एक तरफ राज्य में होने वाले इस निवेश सम्मेलन को लेकर बीजेपी गदगद है तो दूसरी तरफ विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि लंदन के दौरे से उत्तराखंड में निवेश कैसे आएगा, जरा ये समझाइए। साथ ही सवाल त्रिवेंद्र सरकार के दौरान यानी 2018 के हुए इन्वेस्टर मीट का हिसाब किताब भी विपक्ष मांग रहा है। क्या क्या निवेश हो सकता है और क्या क्या यहाँ निवेश से कार्य हो सकते हैं, उसका पूरा अध्ययन करने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो डेलीगेशन है वो लंदन दौरे पर है और लंदन से हमारे उत्तराखंड में किन किन क्षेत्रों में निवेश हो सकता है उसके लिए वहाँ पर उनके रोड शो का कार्यक्रम भी रखा गया है और औद्योगिक घरानों के साथ उनकी कई मीटिंगें उनकी होने वाली हैं। हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए ये जो औद्योगिक समेत ये निवेश सम्मेलन जो हो रहा है ये उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए और उत्तराखंड राज्य को अग्रणी राज्य बनाने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। कुछ सपने हमने 2018 में पूरे होते हुए देखे, कुछ सपने आप पूरे होते हुए देखेंगे। मान लेना, स्वीकार करें ना, महेंद्र भट्टो चाहे भाजपा के सभी नेता हों, इस बात को स्वीकार करें कि 2018 का इन्वेस्टर समिट जो था वो टोटल फेलियर था। एक ढेला भर भी यहाँ उत्तराखंड में नहीं आया और इसलिए मुख्यमंत्री धामी अब नई शुरुआत कर रहे हैं, इस बात को कह दें अपने मुखारविंद से। उसके अलावा अभी डेंगू के प्रहार से प्रदेश जूझ रहा है, वहीं किसान अपना मुआवजा मांग रहे हैं, अपनी बर्बाद हुई फसलों के बदले मुआवजा मांग रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री लंदन में टहल रहे हैं और ये समझ से परे है कि रोड शो करने से कब निवेश आया करता है और निवेश आता है। उत्तराखंड में एक इन्वेस्टर समिट 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के शासनकाल के दौरान हुई थी, जिसमें 1,25,000 करोड़ के MOU साइन हुए थे, लेकिन तब से लेकर अब तक इस इन्वेस्टर समिट को लेकर विपक्ष हमेशा ही सरकार पर सियासी सवाल खड़े करता रहता है। मगर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजन करने का दम भर रही है, जिसमें 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य धामी सरकार चुन चुकी है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि सपने समिट को लेकर देखे जा रहे हैं वो कैसे और कब पूरे होंगे, इसका इंतजार सभी को है। अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो सरकार दावा कर रही है लेकिन इस दावे पर विपक्ष को एतराज है, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। सवाल इस बात को लेकर कि आखिरकार त्रिवेंद्र सरकार के वक्त 2018 में भी इन्वेस्टर समिट हुआ, लेकिन इन्वेस्टर समिट से पहाड़ चमकेंगे इसका जिक्र किया गया मगर ऐसा हो नहीं पाया। सीएम विदेश तो पहुंच गए लेकिन निवेश पर सवाल है। एक तरफ उत्तराखंडियों ने
सीएम धामी का भव्य स्वागत किया, लेकिन 2.5 लाख करोड़ के निवेश का जो लक्ष्य रखा गया वो क्या इतनी आसानी से पूरा हो पाएगा? साल 2018 जब त्रिवेंद्र सरकार ने सबमिट करवाया था, तब उस वक्त करीब 673 निवेशक, या यूं कहें कि 673 निवेश प्रस्तावों पर एमओयू हुआ था। महज 35,000 करोड़ का निवेश ही उस वक्त हो पाया था, जिस वक्त ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं 2018 की। और उस समिट में सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, और यही विपक्ष का इल्जाम है कि आखिरकार करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी निवेश जिसका जिक्र सरकार करती है वो 35,000 करोड़ का ही क्यों? अब इसको लेकर सवाल इसलिए भी है क्योंकि तब उस वक्त 2018 में 673 निवेश प्रस्तावों पर एमओयू हुआ था। तो दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, बीजेपी के चेहरे भी कुछ देर में आपकी स्क्रीन पर होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मिलवा दें अपने मेहमानों से। हमारे साथ हेमा भंडारी जी आम आदमी पार्टी की तरफ से इस कार्यक्रम का हिस्सा है। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा जितेन जी जुड़ चुके हैं जो कि प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस के, और बीजेपी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। जितेन जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करते हैं, क्यों नाराज है सीएम? विदेश जा रहे हैं, कह रहे निवेश लेकर आएंगे, आप कह रहे हो नहीं ये नहीं कर पाएंगे, क्यों नाराज है? 2018 में आपको तारीख पता है, मैं आपको सबसे पहले दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने निवेश का इशारा किया। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? जितेन जी थोड़ी सी समस्या आ रही है आवाज में आपकी। हाँ मैं यही मैं करेक्ट करवा रहा हूँ, आप अपनी बात रखिए। 2018 में अगर जितेन जी संभव हो पाए तो आपने जो हेडफोन लगाया, मेरे सहयोगियों ने बताया नहीं होगा आपको, अगर आप हटा लेंगे तो आपकी आवाज परफेक्ट आएगी। अब फोन रख लेंगे सर अपने पास तो आपकी आवाज पहुंचेगी हमारे तक आराम से। मेरे सहयोगी कनेक्ट कर रहे हैं सर आपसे। हेमा भंडारी जी, जी अब बिल्कुल परफेक्ट आ रही जितेन जी। तिलक जी ऐसा है कि ये जो विदेशी दौरों के बहाने, समिट के बहाने, इन्वेस्ट के बहाने विदेशी दौरे किए जा रहे हैं, 2018 में जो दौरे किए गए थे उससे कितने इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड की उत्तराखंड की जनता को प्राप्त हुआ, ये आप सबके सामने आंकड़ों में उपलब्ध है। एक बार फिर उसी को पुनरावृत्ति करने का प्रयास किया गया है। अगर 2018 में हमारे प्रदेश के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट आया होता तो आज उत्तराखंड से पलायन की समस्या, बेरोजगारी की समस्या से कम से कम खत्म हो जाती। तो 2018 के बाद ही पलायन शुरू हुआ था जितेन जी? मेरा तो व्यक्तिगत सुझाव था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित नरेंद्र दत्त तिवारी जी की तर्ज पर अगर विदेशी दौरों को छोड़कर स्थानीय हिंदुस्तान के इन्वेस्टर को यहाँ पर आमंत्रित किया जाता और सिक्लों के माध्यम से यहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाती तो बेरोजगारों को और पलायन रोकने में थोड़ी सी मदद मिल जाती। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि तिवारी जी के अगर लक्ष्य कदम पर चलते तो निवेश आ जाता शायद। तो ये आपने हरीश रावत जी को नहीं उदाहरण दिया था तिवारी जी का? नहीं, आप देखिएगा राजनीति आज की जो आप डिबेट का हिस्सा बता रहे हैं, हाँ। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के विदेशी दौरे को लेकर इस डिबेट पर आपसे चर्चा कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो मतलब पुरानी सरकारों के हिसाब किताब का जिक्र ना करें, क्योंकि आप 2018 का जिक्र कर रहे थे ना। क्या आप पुरानी सरकारों का हिसाब अगर मुझसे पूछते तो उस पर चर्चा हम लोग करते? अच्छा, तो आज मतलब सिर्फ धामी जी की बात करेंगे, उनके विदेश दौरे की बात करेंगे, लेकिन हरीश रावत जी कितना निवेश लेकर आए उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप तिवारी जी का आज माननीय मुख्यमंत्री जी के विदेशी दौरे के निवेश पर चर्चा रखी। लेकिन आपने उदाहरण तो तिवारी जी का दिया ना, तो इसलिए मुझे याद आ गया कुछ। तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित नरेंद्र दत्त तिवारी जी के कार्यकाल में हाँ हिंदुस्तान के लोकल इन्वेस्टर्स ने हाँ सिडकुल स्थापित करने में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। नहीं, वो तो पूरा देश जानता है, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा था। आप तिवारी जी का जिक्र करते हैं तो हरीश रावत जी का भी करिए, बोंगड़ा जी का भी करिए, है ना, करना चाहिए। बाकी आपका विवेक, खैर कोई बात नहीं। बसीन साहब भी जुड़ गए हैं। बसीन साहब, वो ये कह रहे हैं कि जरा उत्तराखंड की जनता को ये बताइए कि धामी जी विदेश गए, वहां से निवेश कैसे लाएंगे, और दूसरा उन्होंने ये कहा
कि रोड शो से निवेश कैसे आता है, वो वाला जो एग्जाम्पल है वो भी समझाइए। पहले तो मैं अपने मित्र को बताना चाहूंगा कि तिवारी जी का इन्होंने जिक्र किया, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट इसलिए आ पाया क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड के लिए विशेष पैकेज दिया और विशेष राज्य का दर्जा दिया, और तिवारी जी ने उस सुविधा का अच्छे ढंग से प्रयोग किया, निश्चित तौर पर उसका प्रदेश में लागू। पहली बात तो ये हमको जान लेनी चाहिए कांग्रेस के मित्रों को कि अटल जी के दिए हुए जो पैकेज है उसका लाभ मिला। दूसरी ओर जहां तक रोड शो का और विदेश दौरे का सवाल है, पहली बात तो ये है कि इस समय उत्तराखंड एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन चुका है इन्वेस्टर्स के लिए, और उसमें केवल देश के उद्योगपति नहीं बल्कि विदेशों के उद्योगपति भी इसमें रुचि दिखा रहे हैं, और ये हमारे पास मौका होता है रोड शो के माध्यम से कि हम उनके बीच में जाते हैं, अपने प्रदेश की परिस्थितियों के बारे में बताते हैं, जो सरकार की इंडस्ट्रीज के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में जो नीतियाँ होती हैं उनके बारे में बताते हैं, और कौन कौन से बारे सेक्टर्स जिस पर हम सरकार जो है पूरा फोकस देंगे उसके बारे में बताते हैं, और वहाँ यथास्थान से बातचीत की जाती है। उदाहरण के लिए जो दिल्ली में अभी हुआ था एक कटरेन ट्रेजर प्रोग्राम, तो तिलक जी आपकी जानकारी में है ही करीब 7700 करोड़ रुपए का एमओयू तो कटरेन ट्रेजर वाले दिन में साइन हो गया था। अगर आप कहते घर बैठे रहिए कुछ अपने आप ही आ जाएगा, ऐसा होता नहीं है। ये तो पुणे के मेंढक की बात है कि मेंढक इस प्रकार से पुणे रहना चाहता है और बाहर निकलना नहीं चाहता। नहीं, मैं आपकी बात से सही हूँ, आशावादी होना चाहिए निराशावादी नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बात बताइए, आपने दिल्ली का जिक्र किया तो मुझे एक बात याद आई, मुख्यमंत्री जी से मैंने एक सवाल किया था उसका उत्तर नहीं आया। सवाल वैसे दो थे, सवाल यह था कि आखिरकार जिस लैंड बैंक का आप जिक्र करते हैं हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून, इन तीन जिलों को छोड़कर, क्योंकि तीनों जिलों में इंडस्ट्री स्थापित है, आबादी जरूरत से ज्यादा है और कहीं लैंड बैंक दिखाई नहीं देता, तो उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार को छोड़ के आपने कहां पहाड़ में लैंड बैंक बनाया है, प्लीज जरा उसका मार्गदर्शन कर पाए, क्योंकि यही सवाल मैंने सीएम से पूछा था, मुख्यमंत्री जी ने उस सवाल को घुमा दिया। जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे फोकस के केंद्र वो है क्षेत्र है उनमें हमारा एग्रीकल्चर और जो फूड प्रोसेसिंग है उसका एक पार्ट, हम जो हम उत्पाद पैदा करते हैं चाहे फलों का हो चाहे दूसरे हो, हम उनका फूड प्रोसेसिंग करेंगे। उसके अलावा हमने जो पावर सेक्टर को भी अपने फोकस में लिया है, पावर सेक्टर मतलब किरणा का रिवर में। नहीं नहीं बसीन सर, आपके पास लैंड बैंक कहाँ है, मेरा विषय यही है। मैं छोड़ दीजिए जितेंद्र जी को, हेमा जी को, ये लोग सियासत करेंगे, विपक्ष में आप भी थे, आप भी सियासत करते थे, विषय यही है कि आपके पास लैंड बैंक कहाँ है। जुड़ गए तिलक जी कि जिन जिन क्षेत्रों में ये जो हमारे उद्योग के क्षेत्र हो सकते हैं वहां पर हमारे पास क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, कितनी भूमि उपलब्ध है। अगर मैं इसकी बात करूंगा कि ऊर्जा की बात करूं तो निश्चित तौर पर हमें वही देखना होगा यहाँ पर कि हमारी नदियां नहरें बह रही हैं। इसी प्रकार से जब मैं हॉर्टिकल्चर की बात करूंगा, फल प्रोसेसिंग की बात करूंगा, तो उन्हीं क्षेत्रों में देखूंगा जहाँ पर कि फल उत्पादन होता है जिससे कि खर्चा बचे और वहीं हम प्रोसेसिंग करें। तो ये एक स्कैटर्ड क्षेत्र होता है जिसमें कि हम कहते हैं यहाँ पर हम ये काम कर पाएंगे, कोई एक स्थान पर कोई बड़ा चक जो है वो नहीं काट रखा जाता, धामी जी जाएंगे नहीं विदेश, निवेश लेकर आएंगे, आपको तो निवेश से मतलब होना चाहिए ना, चाहे वो विदेश से लाए या फिर प्रदेश से। बिल्कुल तिलक जी, मैं आपको इस चीज को बता देती हूँ कि ना जो हमारे प्रदेश के जो युवा मुख्यमंत्री धामी जी है, तो उन्होंने जो हमारे देश के यशस्वी और क्या विश्व गुरु श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी से एक बात तो सीख ली है कि जो है चाहे कुछ भी हो, काम हो ना हो धरातल पर उसका डंका जोर से बजना चाहिए। तो हम उसके खिलाफ नहीं है, होने चाहिए उद्योग धंधे, यहाँ पर युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये तो देखिए कि ऊर्जा प्रदेश में ऊर्जा जिस तरह से बिजली इतनी महंगी हो गई है कि जो पहले से चल रहे उद्योग धंधे वो बंद होने की कगार में है। आप नए उद्योग धंधों की बात कर रहे हो, अभी अभी जो आज अभी कुछ सर्वे चला था उसमें
जो घोटाला पकड़ में आया था 18,340 करोड़ का कुछ ऐसे घोटाला था, जिसमें 16,129 करोड़ तो केवल इसकी ऊर्जा निगम की अनियमितताएं पकड़ी गई थी। हाँ। तो पहले ये उस पर तो रोक लगाए, अब उत्तराखंड तो आप निवेश लाना है कि नहीं लाना ये बताइए हेमा जी, बड़ी कंफ्यूजन। अच्छा, ये इन्होंने तो पहले भी 2018 में जब मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, तभी एमओयू साइन किया था। हाँ। तक भाजपा उसका जवाब ही नहीं दे पाई है। हाँ। कि तभी वो एमओयू साइन हुआ था, और जब हमारा ये जो हमारा उत्तराखंड गठन हुआ था तब बड़े बड़े वादे किए गए थे कि 80% जो रोजगार देंगे, 70% युवाओं को रोजगार देंगे। आज कहाँ है? आज जो उत्तराखंड के युवा हैं वो पलायन लगातार कर रहे हैं। हाँ। रोजगार दे तो ये धामी जी आए तब से पलायन कर रहे हैं, उससे पहले कर रहे हैं? नहीं, पलायन तो लगातार जब से उत्तराखंड का गठन हुआ। अच्छा, मुझे लगा शायद आप बोलेंगे कि धामी जी। अच्छा, ये जो निवेश है ये सारी जिम्मेदारी धामी जी की थी या उससे पहले भी जिम्मेदारी थी? देखिए, जब से उत्तराखंड का गठन हुआ है तो किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया है उत्तराखंड के युवाओं के लिए। उत्तराखंड में लगातार नहीं, ऐसा मत बोलिए कि किसी ने कुछ नहीं किया, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। हेमा जी, इतना भी नहीं होता, इस बात को स्वीकार करिए। तिवारी जी के वक्त हुआ, उस बात को बड़ा दिल दिखाते हुए भसीन साहब जी ने भी स्वीकार किया। तो कम से कम ऐसा मत बोलिए ना कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है उत्तराखंड में, ऐसा मत बोलिए। एक मिनट, भसीन साहब पहले जवाब देंगे और फिर उसके बाद जितेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। भसीन साहब, जितेंद्र जी का और हेमा जी का दोनों का एक कंसर्न है कि भाई 2018 का हिसाब दे दीजिए फिर आगे बढ़िए। पहली बात तो ये है कि जो अभी बात पलायन की है, तो पलायन तो उत्तराखंड की बहुत पुरानी समस्या है, और उत्तराखंड राज्य की मांग के पीछे भी एक बड़ा कारण पलायन का था, रोजगार का। और उसकी बात को ध्यान में रख करके मैंने जैसे पहले भी कहा कि अटल जी ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया, यहाँ पर एक टैक्स पर जो है पूरा हॉलीडे घोषित किया, और उससे आकृष्ट होकर के क्योंकि तिवारी भी मुख्यमंत्री थे उन्होंने उस तक से प्रयोग किया और उत्तराखंड के तरफ। नहीं, आप बात घुमा रहे हैं सर, 2018 का हिसाब मांग रहे हैं हेमा जी भी और जितेंद्र जी। मैं उसके बाद आता हूँ जी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। हाँ, एक काम किया कि जो केंद्र सरकार के द्वारा भाजपा की हमको रियायतें दी गई थी, कांग्रेस के जो वित्त मंत्री थे चिदम्बरम जी, उन सारी रियायतों को कांग्रेस ने वापिस दे दिया, एक काम तो उन्होंने बड़ा ये किया। दूसरा, जहां तक 2018 की बात है, तब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, तो उनके द्वारा जो है इन्वेस्टर समिट किया गया। जैसा कि पहले भी टिप्पणी कह चुके हैं, करीब 7,00,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए, 40,000 करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर आ पाए, और उसको कोविड काल भी आ गया। लेकिन सारी परिस्थितियों में भी उत्तराखंड के अंदर उद्योग आए, जब भी जो अपेक्षित नहीं आ पाए, परिस्थितियां ऐसी थी, लेकिन काम आगे बढ़ा। तो कांग्रेस से कुछ नहीं, आप कह रहे हैं कि निवेश आया, लेकिन हेमा जी कह रहे कोई निवेश नहीं आया, जितेंद्र जी कह रहे कोई निवेश नहीं आया। देखिए, आप ये कहने को जो मर्जी कहें, आज हमारे धामी जी गए हैं तो एक बड़ा जो परिणाम निकल के सामने आएगा वो आप और हम सभी देखेंगे। और अभी मैंने आपको ठीक जितेंद्र जी जो दिल्ली में जितेंद्र जी वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, कह रहे कोरोना काल था, क्या करते हैं बताइए आप। एमओयू तो साइन हुए थे ना 673 करोड़ के। तिलक साहब देखिएगा, मैं भसीन साहब भाई की बात को उत्तर दे रहा हूँ। माननीय धामी जी केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को फॉलो कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले योगी जी भी विदेश यात्रा पे थे, कुछ समय पहले योगी जी ने भी कुछ विदेशी इन्वेस्टर्स को उत्तर प्रदेश बुलाकर एक सेमिनार रखी। उसी परंपरा का निर्वाह करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी लंदन जाकर इस तरह के कार्यक्रमों का जितेंद्र जी एक सवाल पूछूं, नाराज तो नहीं होंगे? उत्तर देना चाहता हूं। अच्छा, नाराज तो नहीं होंगे? एक सवाल पूछ लूं सर, बहन जी को भी मैं उत्तर देना चाहता हूं। नहीं बहन अहमद जी नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन जो आप कह रहे हैं ये योगी जी को फॉलो कर रहे हैं। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि ये योगी जी को फॉलो कर रहे हैं, तो जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने खली को बुलाया था, वो किसको फॉलो कर रहे थे? निवेश बढ़ाने के लिए। खली से जो खलबली मचाई थी वो किसको फॉलो कर रहे थे? इन्वेस्टमेंट करने आए थे। खली इन्वेस्टमेंट करने आए थे? खली क्या इन्वेस्टमेंट करने आए थे? मैं आपसे नहीं, तो मैं वही पूछ रहा ना, वो क्या हो रहा था? जी एक खिलाड़ी थे। हाँ, वो क्या हो रहा था फिर? वो क्या हो रहा था? वो एक गेम्स का आयोजन था। नहीं, वो किस चीज का आयोजन था, किस बात का आयोजन था? किसको फॉलो कर रहे थे हरीश रावत जी? आप देखिएगा, जो खली इंटरनेशनल खिलाड़ी है उनका एक आयोजन उत्तराखंड के अंदर हुआ। सर, मैं आप ही की बात कह रहा हूँ, मैं मान गया ना आपकी बात को, योगी जी को फॉलो कर रहे हैं। हरीश रावत जी किसको फॉलो कर रहे थे जो महाबली खली को बुलाया था? उत्तराखंड में खेलों को बढ़ावा देने के लिए। सर, खेलों को बढ़ावा देने के लिए तो छोड़िए, वहाँ पत्रकार पिट रहे थे, वहाँ पत्रकार पिट रहे थे, आप खेलों को क्या बढ़ावा दे रहे थे? खेलों को बढ़ावा देने के लिए वहाँ कौन सा?
सर अब रामनगर वालों से पूछे अलग बात हो जाएगी है ना। हाँ बसीन साहब प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर उसके बाद हेमा जी। काशीपुर का विषय तो आया ही नहीं है सर। हेमा जी मैं अभी नहीं दे पाया उससे कहा आपने, तो मैं जो बात कह रहा था अभी जो सितंबर में कर्टन डे शुरू हुआ इसी समिट को लेकर के, उसमें महिंद्रा जो रिसोर्ट एक फर्म है उसके साथ और आईटीसी के साथ और इसी प्रकार से इनकुबेर के साथ 7,600 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। अभी समिट नहीं हुआ लेकिन पहले से जो है इसमें तत्काल कार्रवाई प्रारंभ हो गई। बसीन सर एमओयू साइन होना धरातल पर निवेश की गारंटी नहीं होती सर, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। नहीं मैं इस चीज को मानता हूँ लेकिन शुरुआत तो वहीं से होगी ना तिलक जी। सर आपने पिछली सरकार में 2018 का जिसका जिक्र करते हैं तब आपने 673 निवेश प्रस्तावों पर एमओयू साइन किया था जी। मैं गलत तो नहीं हूँ? और धरातल पर महज 35,000 करोड़ के निवेश का दावा आप करते हैं? 40,000 करोड़। मैंने कहा आपसे, मैंने स्वीकार किया कोरोना काल भी था और एक प्रारंभिक हमारी एक्सरसाइज थी, लेकिन अब धामी जी बहुत ही तरीके से इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से जो उन्होंने देश के अलावा विदेशों में भी जो कर रहे हैं वो चाहते हैं कि एफडीआई भी आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उत्तराखंड में हो उसका आपको लाभ मिलने वाला है। और अभी जो आलोचना कर रहे हैं, मेरा मित्रों से कह रहे हैं अगर आप उत्तराखंड का सहयोग करना चाहते हैं तो कृपया करके सब बोलिएगा जब हो जाएगी तो उसके परिणाम सामने। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही, ये बात इस बात को ना खुले मन से स्वीकार करना चाहिए बसीन साहब की। आप विरोध करिए हेमा जी कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आज आप एक सवाल पूछ रहे हैं, जब अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आता तो आप बसीन साहब से 100 सवाल पूछिएगा, मैं आपके साथ होऊंगा, 101वां मेरा होगा। तभी तो 2018 के इन्वेस्टमेंट को लेकर हम लोग बसीन साहब से हिसाब मांगने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ मिली जी ना हिसाब बसीन साहब, वो कह रहे हैं हिसाब 2018 का दे दो, अभी का छोड़ दो। 2018 के हिसाब तुम्हारे दिया ना कि धामी जी के आने के बाद आपकी सरकार ने 2018 का कोई इन्वेस्टमेंट का हिसाब नहीं किया। 2.5 करोड़ का जो आपने ये लक्ष्य रखा है, इस लक्ष्य को सिर्फ कागजी कार्रवाई कागजी आंकड़ों के लिए रखा है। 2,50,000 करोड़ का जो लक्ष्य आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए रखा है वो केवल पब्लिक को गुमराह करने के लिए और 2024 के लोकसभा इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए प्रयास किया। अगर इन्वेस्टर की बात होती तो पहले देश के अंदर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे एक उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सेमिनार करवाते, देहरादून के अंदर के महसूस होता हिंदुस्तान के जो इन्वेस्टर है वो उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा है, पहले अपने हिंदुस्तान के लोगों को आमंत्रित करने का प्रयास कीजिएगा, तब विदेशी दरवाजे तक कराने की कोशिश करिएगा। 2025 में धामी जी ने कहा है उत्तराखंड देश का अगला राज्य होगा, में सिर्फ आंकड़ों की बाजी के लिए आप लोगों ने दिखाई है, प्रस्तुतिकरण के नाम पर जीरो। बहुत तेजी से उत्तराखंड को आगे ले जाना चाहते हैं। कुछ नहीं सर, 2018 के आंकड़े आज तक जनता के सामने सार्वजनिक पटल पर नहीं रखे गए, आंकड़ों की जानकारी करके एक बार फिर जनता को करके धामी जी विदेश यात्रा पर जाते हैं। हेमा जी एक मिनट इन्वेस्टमेंट का जितेंद्र जी बसीन साहब एक मिनट। हेमा जी हमें एक लक्ष्य तक पहुंचना है, हम घर से निकलेंगे तभी लक्ष्य तक पहुंचेंगे। अगर हम घर में ये बैठकर सोचने लग जाएं कि भाई रास्ते में 10 रेड लाइट हैं, मेरी बात को समझिएगा, 10 रेड लाइट हैं लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, जब सारी ग्रीन होंगी मैं तभी घर से निकलूंगा, ये संभव है हेमा जी? मतलब जब सारी लाल बत्ती हरी हो जाएंगी मैं तभी घर से निकलूंगा वरना फिर नहीं निकलूंगा, आप ये चाह रहे हैं? तिलक जी मैंने एक और सवाल भाजपा के प्रवक्ता से किया था कि जो उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, जो पहले से यहाँ उद्योग हैं और ऊर्जा प्रदेश में जिस तरह से ऊर्जा कितनी महंगी हो गई है कि उद्योग धंधे बंद करने की कगार में उनको रोक नहीं पा रहे हैं, तो समझ नहीं आता कि ऐसे में क्या होगा और कौन इन्वेस्टमेंट करेगा। ये तो देखने वाली बात है, हम तो स्वागत करते हैं युवाओं को रोजगार मिले, उससे पहले सख्त भू कानून की जरूर मांग करते हैं कि सख्त भू कानून यहाँ पर लागू हो ताकि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिले, उन्हें पलायन के लिए मजबूर ना होना पड़े। आपको लगता है कोई निवेश नहीं आएगा? देखते हैं हम भी, अच्छा है निवेश आएगा तो हम स्वागत करते हैं उसका। नहीं कहाँ कर रहे हो इतना नाराज होके आप बोल रही हैं? नहीं नाराज होके नहीं, जब जिस तरह से उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं ना तो दुख होता है, और उत्तराखंड के जो युवा पलायन कर रहे हैं लगातार उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। हाँ। कम से कम आएगा तो नौकरियां मिलेंगी। हाँ
तो ये बात, हम तो उत्तराखंड के, हम तो, हाँ, तो दिसंबर के बाद जनवरी भी आता है, जैसे ही दिसंबर के बाद जनवरी आएगा आप जनवरी में सवाल उठाना शुरू कर दे, अभी से आप कहेंगे तुमसे ना हो पाएगा जी, ये कैसे, मैं समझा नहीं ना हेमा जी, आप बार बार ये कह रहे कि नहीं तुमसे ना हो पाएगा जी। चावला जी मैंने कहा है कि भाई हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की तरह डंका पीटने का तो शौक है ही, उनसे सीखा तो है ही इन्होंने। नहीं नहीं, ऐसे तो, ऐसे तो उदाहरण, उदाहरण देने वाली बहुत सारी नजीर है। अब उदाहरण के तौर पर एक राज्य के मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में जाकर फीता काटते मोहल्ला क्लिनिक का, बोलते कि ये मैं भी काटूंगा फीता, होता है ना ऐसा, हम मुस्कुराइएगा मत, होता है एक राज्य में होता है ऐसा। कॉपी करने लगे हैं, कॉपी, मैडम एक राज्य में मोहल्ला क्लिनिक खुला, मुख्यमंत्री नहीं करेंगे वो, दूसरे मुख्यमंत्री जाके करेंगे दूसरे राज्य के, बोले मैं काटूंगा फीता, वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। हाँ आप तो पूरा ही करते हैं वादा, 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 आप तो लोकायुक्त का वादा पूरा कर चुके हैं। एक मिनट रुकिए ना बसीन साहब, जवाब दीजिए वो, ये दो महत्वपूर्ण बातें हेमा जी ने कही, एक ऊर्जा वाला मसला, बिजली महंगी, और दूसरा ये कि आखिरकार भू कानून को लेकर क्या विचार। देखिए मैं भू कानून से प्रारंभ करता हूँ, भू कानून को लेकर के हमारी जो कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को दे दी है, और सरकार के वो विचाराधीन है, और निश्चित तौर पर बहुत जल्दी ही उसके ऊपर सरकार जो है अपना मंतव्य लाएगी और उसके बारे में कानून बनेगा। ठीक, वैसे ही जैसे लोकायुक्त आ गया। नहीं नहीं, लोकायुक्त में तो अलग कार्रवाई चल रही है। हाँ, अलग, तो अलग कार्रवाई चल रही है, जब तीन महीने के अंदर हमको लाना ही लाना है उसके अंदर। नहीं, वो तो कोर्ट ने आदेश दे दिया ना, आप करेंगे सर, करेंगे इसको भी करेंगे। और जहाँ तक उसका बंद हो बिजली महंगी का सवाल है, पहली बात तो मैं ये कहती हूँ सर, आप पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड की बिजली सस्ती है, एक बात। और वो कह रहे हैं कि उद्योग तो बंद हो गए, आप उद्योग लाने की बात कर रहे हैं, हेमा जी कह रही है, आप हेमा जी कह रही है, बताएं मुझे कौन सा उद्योग बंद हुआ। अब ऐसे डिबेट में बोल देना तो बड़ा आसान है, मैं कुछ भी कह दूं केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया, थोड़ी होता है, आप हेमा जी कुछ कह रही है, अपने नाम बता दीजिए कौन से उद्योग क्यों बंद हुए। हाँ, वो उद्योग तो हमने नहीं चलने दिया जो केवल यहाँ पर पैकेजिंग क्या करते थे और लाभ लेना चाहते थे, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को जाना था यहाँ से वो चले गए, लेकिन ये पुरानी बात है, वर्तमान में जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल भुजागी काम हो रहा है, सरकार की उनके ऊपर कड़ी नजर है, और हमारी जो प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिसी है देश के और देश के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छा तरीके से आकर्षित किया, आने वाला समय बहुत अच्छा है। हिमाचल राजनीति तो होती रहेगी, प्रदेश का विकास होना बहुत जरूरी है। कमेंट आपका वक्त खत्म हो रहा है जितेंद्र जी, एक बात तो एक बात भसीन साहब के पक्ष में मैं इसलिए खड़ा हूँ कि भाई आप 100 सवाल पूछेगा सरकार से, लेकिन दिसंबर के बाद पूछ लीजिएगा ना, दिसंबर नजदीक है, होने दीजिए इन्वेस्टर मीट, आप कह रहे हो नहीं हो पाएगा। मैं भसीन साहब को अब एक जवाब देना चाहता हूँ, भसीन साहब कह रहे हैं कि कौन सा उद्योग बंद हुआ, मैं भसीन साहब सबसे पूछना चाहता हूँ कौन सा नया उद्योग उत्तराखंड में स्थापित हुआ। भसीन साहब बड़े भाई हैं आप, कौन सा उद्योग आपके शासनकाल में उत्तराखंड में स्थापित हुआ? तमाम गन्ना चीनी मिल जो हमारे आधारभूत उद्योग थे वही बंद होने के कगार पर आ गए। काशीपुर के अंदर मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, इतना बड़ा उद्योग चीनी का था जो आधारभूत उद्योगों की श्रेणी में आता है, वो बंद और तालाबंदी हो गया। जसपुर चीनी मिल बंदी के कगार पर, गदरपुर चीनी मिल बंदी के कगार पर, आप कह रहे हैं कि यह उद्योगों का जाल बिछ रहा है। मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूँ भसीन साहब कि अगर आप हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स से, ठीक, वक्त लगन नहीं दे रहा, लेकिन जितेंद्र जी ये तो चीनी मिलों वाला मसला है ना, एक मिनट सर, ये चीनी मिलों वाला मसला जो है ना, इस पर एक अलग से चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि किसने कितनी रियायत दी और किसके हाल में छोड़ दिया चीनी मिलों को, है ना, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए पूरे हिसाब किताब के साथ। ठीक, अच्छी बात उठाई आपने, लेकिन यह विषय अभी इन्वेस्टर समिट का है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब, जनवरी से हिसाब लेना शुरू करेंगे आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, आपका भी, हेमा जी आपका भी। तो अभी देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन दावा यही कि निवेश आएगा तो पहाड़ चमकेगा, अब देखिए पहाड़ चमकेगा या नहीं चमकेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।